मैं यहाँ जीतने आया था, अकेले अकेले ही जीत के जाऊंगा। अब गैंग स्वैप होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप प्रिंस भाई की गैंग में हो और प्रिंस भाई अगर आपको भाई मानते हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने का। प्रिंस भाई को थोड़ा जीके पढ़ना चाहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, और आज हमारे साथ है द विनर ऑफ रोडीज कर्मिया कांड वाशु। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुलिका। तो फाइनली जब आपके पास ट्रॉफी है, आपके पास टाइटल है, तो टेल मी कि कर्म से ये विनर की ट्रॉफी मिली है या कांड करके जीते हो? मुझे मैं तो मानता हूँ मुझे कर्म, मैंने कर्म किया है लाइफ में, रोडीज पे आके भी कर्म किया है, उसका फल मुझे ये ट्रॉफी मिली है। ओके, तो कोई भी कांड नहीं किए पूरी जर्नी में? एक कांड नहीं किया आपने? इंटेंशनली मैंने कांड तो ऐसे नहीं करने थे मुझे, अनइंटेंशनली कांड हुए हैं, कुछ कुछ हुए हैं, बट कभी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ऑफकोर्स अगर आप दिमाग में क्या थॉट ला रहे हो उससे आपको तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो आई वॉज ऑलवेज अ कर्मा वाला बंदा। ओके, जितने भी बाकी कंटेस्टेंट्स थे जो भी अदर गैंग्स में थे, व्हाट वाज द क्वालिटी जो एक आपके अंदर थी जिसकी वजह से ट्रॉफी या टाइटल आपके पास है? जैसे कि सभी कहते हैं एंड मुझे भी यही लगता है कि आई वॉज द मोस्ट स्किल्ड गाय, मतलब मुझे बहुत सारी चीजें आती थी, हर चीज कर लेता था, मतलब हर वेपन से लेके हर टास्क से लेके मुझे हमेशा यही लगता था कि आई एम मेड फॉर रोडीज। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपके जो आपका कह सकते हो कि यू वांटेड हिम, क्योंकि आप उनके फैन थे, शायद आपने बहुत स्टार्टिंग से उनका शो देखा था, रोडीज देखा था, तो अपने फेवरेट मेंटोर के अंदर भी आप फ्लाई नहीं कर पा रहे थे, उसका क्या रीजन रहा होगा? उसका रीजन ये था कि शायद ना मैं वहां स्टार्टिंग ना बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड, जैसे ही मुझे सब शो पे बोलते थे कि बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड सा है। सो जब मैं प्रिंस सर की गैंग में आ गया हूँ, ऑडिशन बूम हो गया, तो उसकी कहीं ना कहीं मुझे एक भनक हो गई थी कि इसका ऑडिशन बहुत अच्छा गया है, तो थोड़ी सी ओवर एक्साइटमेंट आ गई थी अंदर ही अंदर। शायद उसकी वजह से ना मैं ना सुनने में गलती कर देता, प्रिंस भाई जब भी कुछ टास्क समझाते थे टास्क समझते थे, बट जब टास्क करने जाते थे तो वहां मैं ना थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो जाता था। जब प्रिंस भाई कुछ चिल्ला रहे होते थे, वहां कुछ बोल रहे होते कि इसको यहाँ नहीं यहाँ नहीं, तो मैं शायद वहां सुनने में लैक कर रहा था। बट जब मैं दूसरी गैंग में गया, वहां ऐसे कोई टास्क थे ही नहीं कि जहां मुझे किसी और की सुननी है, वहां मुझे खुद करना है। ओके वाशी, एक पॉइंट ऐसा आया था जब यू आर ऑलमोस्ट आउट, वोट आउट हो चुका था आपका, यू आर स्टैंडिंग लास्ट फ्यू मिनट्स, आप शायद अपना लास्ट स्पीच दे रहे थे ऑन टेलीविजन, एंड सडनली आप वापस बैक इनटू द गेम आते हो, तो उस मोमेंट पे आपकी क्या फीलिंग रही थी, या वो जो पूरा दिन था उसको आप कैसे डिस्क्राइब करें? उस दिन मुझे, मैं वोट आउट के पहले से थोड़ा सैड था, मुझे कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आ रही थी कि आज मैं निकलने वाला हूँ, आज मैं निकलने वाला हूँ। बट जब वोट आउट हुआ, जब वोट्स आने चालू हुए, मैं तो ऐसा हो गया, बिकॉज जो गौतम सर की गैंग थी उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, बस दिग्विजय को छोड़ के बाकी जितने मेंबर्स थे उन्होंने बोला था कि हम वाशु को वोट आउट नहीं करेंगे, लेकिन वो वहां वर्ड से पलट गए। एंड उसके बाद जब मुझे वोट्स आने लग गए लाइन से 3-4, मैं समझ गया पूरी गेम पलट चुकी है, आज मैं गया हूँ। और प्लस मेरी इम्यूनिटी भी छिन चुकी थी जस्ट बिकॉज वो कांड की वजह से, जोकर कांड की वजह से। एंड जब वहां पर वोट आउट हो गया तो उसके बाद तो मुझे शिट ऐसा लगा कि ये कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, बिकॉज जब से मैंने रोडीज देखा है तब से सिर्फ यही सोचा था कि अगर शो पे आऊंगा तो सिर्फ जीत के जाऊंगा, उसके अलावा दूसरा सेकेंड ऑप्शन ही नहीं है। बट जब वहां वोट आउट हुआ तो मैं बहुत ज्यादा सैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या होगा। बट देन अगर आप प्रिंस भाई की गैंग में हो और प्रिंस भाई अगर आपको भाई मानते हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने का। ओके, तो काफी लोगों ने काइंड ऑफ फेवरेटिज्म की बात की है कि गैंग लीडर्स का फेवरेट था और फेवरेटिज्म था अंदर इनटू द शो, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप इस चीज की वजह से आप काफी आगे तक या इनफैक्ट विनर बन चुके हो शो के? फेवरेटिज्म की बात करूं तो प्रिंस भाई का ऑफ कोर्स मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट रहा है, जब मैं दूसरी गैंग में भी चले गया तब भी मुझे सपोर्ट रहा है। बट अगर जहाँ बाकी गैंग की बात करो, जब मैं रिया मैम के गैंग में आया तब मुझे वहां रिया मैम से सपोर्ट मिला है, अदरवाइज ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन तो उन्हें निकालना ही था। और स्टार्टिंग से भी उन्हें ये था कि ये तो प्रिंस की गैंग में चला गया, इसको मैंने सबसे ज्यादा रोइडम से लगाया, बट ये प्रिंस की गैंग में चला गया, इसको निकालो। और गौतम सर की गैंग तो ऑफकोर्स टारगेट कर ही रही थी।
एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आफ्टर जब आप लाइक गैंग स्वैप करके आए थे, फिर भी थे लाइक पीपल वर सेइंग कि अभी भी प्रिंस को सपोर्ट कर रहा है, ये अभी भी उनकी साइड से खेल रहा है, प्रिंस उनके लिए खेल रहा है, तो वेर यू नॉट सच में अपनी गैंग के लिए लॉयल, या फिर ये सिर्फ एक अजम्पशन था लोगों का? लाइक ऑफ कोर्स मैं प्रिंस भाई ने मुझे जितना सपोर्ट किया जर्नी में, मैं उन्हीं की वजह से सर्वाइव किया इतनी जर्नी पे, तो ऑफ कोर्स मेरा हक बनता है कि मैं प्रिंस भाई को सपोर्ट करूं। और कहीं ना कहीं अगर लोगों को ऐसा फील होगा विद इन द गैंग कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो या आप किसी और टीम को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक डिससैटिस्फेक्शन शो करेंगे, जो कि बहुत ऑब्वियस था. ऑफ तो कोर्स मेरी जो न्यू गैंग वाले थे वो थोड़ा सा मेरे से वो थे कि यार ये तो अभी प्रिंस भाई की गैंग, बट अगर मैं अपने सर्वाइवल के बारे में देखूं, जब गैंग स्वाइप हुई तब मेरे दिमाग सिर्फ एक था, अब ये गेम सिर्फ मेरे लिए है, मैं अपने सोलो के लिए खेलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ जीतने आया था, अकेले अकेले ही जीत के जाऊंगा। अब गैंग स्वाइप होगी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जो बॉन्ड्स है वो वहां पर है, मैं अपने बॉन्ड्स को लेके चलूंगा, क्योंकि अब अलायंस इतना आगे आ गया, अगर तुम एक टास्क भी हारते हो तो ऑफकोर्स तुम्हारी टीम से नंबर कटने हैं, और अगर दो टास्क हम कंटिन्यू हार गए तो ऑफकोर्स उसके बाद हमारे बंदे कट रहे हैं, तो बॉन्ड्स ब्रेक करने से कुछ नहीं होना, अगर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑफकोर्स मेरा ही पत्ता कटेगा वहां, तो तो यू इट वर वाज अ लाइक कि स्मार्ट आप प्ले। ओके, तो बेसिकली यू वांट टू से कि ये आपका गेम था कि आप उस जगह पे भी रह के बट स्टिल आप दूसरी गैंग, इंटरनली दूसरी गैंग के लिए खेल रहे हो, राइट? लाइक ऐसा कह सकते हैं, लाइक मैं खेल तो रियम एम की गैंग के लिए भी था, बट मेरे लिए एक दिल में जगह तो प्रिंस भाई के लिए थी। ओके, प्रिया मैम देखेंगी ये इंटरव्यू, डोंट वरी. रियम एम नोस, रियम एम नोस। तो लाइक यू वर अंडर बोथ ऑफ द टीम्स, लाइक रिया मैम के साथ भी थे और प्रिंस प्रिंस सर के साथ भी थे आप, तो दोनों के लाइक इफ मैं कंपेयर करने बोलू, नॉट रियल कंपैरिजन बट स्टिल, अगर आपको दोनों की एक एक पॉजिटिव चीजें और एक एक नेगेटिव चीजें बतानी हो एज गैंग लीडर्स, तो वो क्या होगी? लाइक प्रिंस भाई की तो लाइक दोनों गैंग लीडर से पॉजिटिविटी तो दोनों में बहुत है, बट अगर मैं रिया मैम की बात करूँ, रिया मैम में एक चीज ये था कि अगर उन्हें मैं स्टार्टिंग से पसंद था तो उनका ये था कि जब मैं उनकी गैंग में था उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन निकालना था, तो और जो कि प्रिंस भाई में प्लस था कि यार स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन को आगे लेके चलो, बट जो बाकी गैंग वाले थे रियम गैंग गौतम सूरी गैंग वो निकालते थे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, अगर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन शो पे रहेगा ही नहीं तो मजा ही नहीं आएगा, तो वो उनका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। और वेयर एज अगर प्रिंस भाई की बात करें तो प्रिंस भाई के नेगेटिव पॉइंट में प्रिंस भाई को थोड़ा जीके पढ़ना चाहिए। तो आशु, द फाइनल वर्डिक्ट, आई मीन आफ्टर आप शो जीत चुके हैं, वन ऑफ द सपना आपका पूरा हो चुका है, तो नाउ नेक्स्ट व्हाट? अगर नेक्स्ट अभी अभी कल ही शो खत्म हुआ है एंड इसके आगे अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी आती, कोई भी नया रियलिटी शो आता है लाइक स्प्लिट्सविला, बिग बॉस, लॉकअप, कुछ भी आता है, आई विल गो फॉर इट, क्योंकि मैंने रोडीज के बाद एक चीज तो सीख ली, जो भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में हाथ में आती है वो कभी मिस नहीं करनी चाहिए। ओके, एनी मैसेज टू योर फैंस? या सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, एंड मैं मेक श्योर करता हूँ आगे भी चल के मैं लाइफ में जो भी करूंगा आप सबको बहुत प्राउड फील कराऊंगा एंड खुद को भी, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस टेली सफर के ये पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये वीडियो को स्पेशली सबसे ज्यादा लाइक्स चाहिए।